स्टोरीलाइन में आपका स्वागत है। आज हम श्री शरद जोशी द्वारा लिखित एक कहानी जानेंगे। शरद जोशी एक कवि, लेखक, व्यंग्यकार तथा फिल्मों और टेलीविजन में एक संवाद और पटकथा लेखक थे। शरद जोशी ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषयों पर कई व्यंग्य निबंध लिखे हैं। आपातकाल की आलोचना करने वाला ऐसा ही एक लघु कथा है, कला और प्रतिबद्धता। कोयल का कंठ अच्छा था, स्वरों का ज्ञान था और राग रागनियों की थोड़ी बहुत समझ थी। उसने निश्चय किया कि वह संगीत में अपना करियर बनाएगी। जाहिर है उसने शुरुआत आकाशवाणी से करनी चाही। कोयल ने आवेदन किया। दूसरे ही दिन उसे ऑडिशन के लिए बुलावा आ गया। वे इमरजेंसी के दिन थे और सरकारी कामकाज की गति तेज हो गई थी। कोयल आकाशवाणी पहुंची। स्वर परीक्षा के लिए वहां 3 गिद बैठे हुए थे। कोयल ने पूछा, क्या गाऊं? गिद हंसे और बोले, यह भी कोई पूछने की बात है। 20 सूत्री कार्यक्रम पर लोकगीत सुनाओ। हमें सिर्फ यही सुनने सुनाने का आदेश है। कोयल ने कहा, 20 सूत्री कार्यक्रम पर लोकगीत? वह तो मुझे नहीं आता। आप कोई भजन या गजल सुन सकते हैं। गिद फिर हंसे, गजल या भजन? 20 सूत्री कार्यक्रम पर हो तो अवश्य सुनाइए। कोयल ने कहा, 20 सूत्री कार्यक्रम पर तो नहीं है। गिद्धू ने कहा, तब क्षमा कीजिए कोकिला जी, हमारे पास आपके लिए कोई स्थान नहीं है। कोयल चली आई। आते हुए उसने देखा कि म्यूजिक रूम में कौओं का दल 20 सूत्री कार्यक्रम पर कोरस रिकॉर्ड करवा रहा है। कोयल ने उसके बाद संगीत में अपनी करियर बनाने का आइडिया त्याग दिया और शादी करके ससुराल चली गई। यद्यपि यह कहानी आपातकाल की आलोचना करते हुए लिखी गई थी, यह आज भी प्रासंगिक है। स्टोरीलाइन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।